नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजकल ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि अधिकतर लोग या तो अतीत में जी रहे या फिर भविष्य में, क्योंकि लोगों की इच्छाएं ज्यादा होती है और आमदनी कम, क्योंकि लोग शुरू से ही उच्च पैमाना तय कर लेते हैं कि हमारे पास घर, गाड़ी, पैसा, सुंदरता, परिवार, दोस्त, पार्टनर सब होगा तभी खुश रहेंगे। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तब निराशा हाथ लगती है। तो दर्शकों, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कुछ लोग हर चीज में खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। जब आप खुद के वर्तमान की तुलना खुद के ही अतीत से करते हैं तब जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं, क्योंकि आजकल जीवन विलासिता की ओर बढ़ रहा है तो लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि इंसानी शरीर विलासिता के लिए नहीं बना है। इसी वजह से कम उम्र में बीमारी जकड़ लेती है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन की जंजीरों से खुद को बांध के रखते हैं और मीठे फल की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग भावनाओं में बहते हैं और हर परिस्थिति के बारे में भावनात्मक रूप से सोचते हैं। क्योंकि लोग आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं उन सभी चीजों के लिए जो आपके पास है, क्योंकि बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, पर पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। अर्थात फिजूल की चीजों के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या हम फेल होते हैं तब अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद पर ना लेते हुए हम दूसरों को दोष देते हैं। बहुत कम लोग ही घर और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठा पाते हैं। इंसान खुशी खुशी एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, अहंकार को झुकना पड़ता है, स्वयं से पहले दूसरों के लिए सोचना पड़ता है, इच्छाओं से पहले कर्तव्य को पूरा करना पड़ता है, स्वतंत्रता से ज्यादा महत्व अपनों के साथ को देना होता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, अपनी नहीं सबकी खुशी देखनी होती है, आराम से ज्यादा काम करना पड़ता है, समय का पाबंद होना पड़ता है, निर्णय में केवल आपका ही नहीं बल्कि सबका योगदान होता है, मन से नहीं बल्कि नैतिकता से जीवन जीना होता है, अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनों की खुशियों के जीवन बदलना पड़ता है। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैंने देखा है कि बहुत से बुद्धिमान लोग अपने आप में मस्त रहते थे। वे खुश रहने के लिए वो सारी चीजें नहीं करते थे जो आम तौर पर लोग करते हैं। वे बाहर नहीं जाते, मजे नहीं करते, पार्टी नहीं करते, वे बस अपने काम पर ध्यान लगाते थे। जीवन में कई तरह के सुख होते हैं, भौतिक सुख, जैविक सुख, बुद्धि के सुख, गहरी बुद्धि के सुख, भावनाओं के सुख और चेतनता के जबरदस्त सुख। जो व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि या शुद्ध बुद्धि के सुख का आनंद ले रहा है उसके लिए वे चीजें कोई मायने नहीं रखती जिसे आप आनंददायक समझते हैं, जैसे पब में मजे करना या ऐसा कुछ, क्योंकि वे किसी और चीज का आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के अपने मजे हैं। दूसरे प्राणियों के लिए उनकी बायोलॉजी उनके जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा होती है, लेकिन इंसान के रूप में पैदा होने पर आपकी बायोलॉजी आपके जीवन का मुख्य भाग नहीं रह जाती। हो सकता है कि 18-20 की उम्र में आप ऐसा सोचते हो, मगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है।
इंसान के रूप में पैदा होने पर तर्क बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शुद्ध बुद्धि भावनाओं और चेतनता के दूसरे आयाम भी होते हैं। कुछ लोग सिर्फ भौतिक चीजों का आनंद ले सकते हैं, कुछ लोग बौद्धिक सुखों या सुख के दूसरे आयामों का आनंद लेते हैं। जिन कामों में आपको मजा आता है वे लोग वो सारे काम नहीं कर रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मजे नहीं कर रहे। आप शतरंज खेलते हैं, किसी और को वह बकवास लगता है, लेकिन इसमें आपको मजा आता है, दूसरों को यही चीज अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मगर आपको सिर्फ बढ़िया तरीके से एक मोहरा चलाने में बहुत गहरी खुशी मिलती होगी। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह के सुख का आनंद ले सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हर कोई एक ही चीज में लगा है तो वह एक मूर्ख समाज होगा। हम जानते हैं कि कोई और हमें खुश नहीं कर सकता, फिर भी हम दूसरों से खुशी क्यों मांगते हैं? हम नहीं जानते कि हमें कोई और खुश नहीं कर सकता। अगर हम यह जानते होते तो दूसरों पर निर्भर नहीं होते। खुद को प्रसन्न रखने के लिए हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते जैसे हम हैं वैसे। हमें अपने अंदर तमाम कमियां लगती हैं और दिखाई देती हैं। ना हम यह समझते हैं कि कोई इंसान परफेक्ट, मतलब कि अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं। परंतु खूबियां भी होती हैं जो हमें अक्सर नजर नहीं आती। जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते हम खुश नहीं रह पाते। हम दूसरों से खुशी की उम्मीद करते हैं और जब दूसरे हमारे मन के मुताबिक काम नहीं कर पाते या हमें खुश नहीं रख पाते या हमें तवज्जो नहीं देते या कुछ देर के लिए ही देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने अपनी पूरी भागदौड़ दूसरों के हाथ में दे दी है। जैसे वह चाहते हैं हम वैसे ही रहते हैं। अगर वह हमारे साथ संतुष्ट हैं तो हम खुश रहते हैं, अगर वह हमारे साथ नहीं तो हम उदास रहते हैं। हम खुद से प्रेम नहीं करते इसलिए हम खुद की तारीफ भी नहीं करते। कुछ भी हासिल करने के बाद हम खुद को धन्यवाद भी नहीं देते और कुछ गलत होने पर हम खुद को कोसते रहते हैं और आत्मग्लानी से भर जाते हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा भी नहीं है। कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य आते ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जो खुद से प्रेम पर ही आता है। हम खुश दूसरों की वजह से होते हैं तो लाजमी है फिर हम हमेशा खुश नहीं रह पाते। हम अपनी ऊर्जा, समय और कई बार पैसा तक दूसरों पर खर्च करते हैं, यह सोच कर कि वह हमसे प्रसन्न रहेंगे। मानते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी पूरी भागदौड़ दूसरे के हाथ में दे दें, जिससे वह अपने हिसाब से चलाता रहे। हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं, उसी के गम में अपना गम, उसी की खुशी में अपनी खुशहाली देखते हैं। यहाँ तक कि वह इंसान जब हमें छोड़कर चला जाता है, चाहे कुछ पल के लिए और चाहे हमेशा के लिए, हम जीने की आस ही छोड़ देते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे लोग कहते हैं, किसी अपने के जाने के बाद वह चला गया, हमारा तो सब कुछ चला गया, अब जी कर क्या करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमको भी अपने पास बुला ले। कितना नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जीवन में हम अकेले आए थे, अकेले जाना है और यहाँ हमें बंधनों में बंध गए हैं। उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं। क्या हमारा सच में कोई अपना अस्तित्व नहीं? हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में यही लिखा है कि हम आत्मा हैं जिसने इस शरीर का चोगा पहना हुआ है। फिर कैसी मोह माया, कैसा बंधन।
परंतु कहना आसान है और समझना मुश्किल। आखिर हम इंसान हैं, भावनाओं और संवेदनाओं से भरा हुआ सामाजिक प्राणी। परंतु फिर भी अगर हम यह सोचें कि हमें इतना नहीं जुड़ेंगे कि अलग होना मुश्किल हो जाए, हम दूसरों के साथ मुदित रहें पर पहले खुद को खुशहाल रखना सीखें। हम अपने आप में संपूर्ण हैं, कोई हमसे खुश रहे या ना रहे, कोई हमको समझे या न समझे, इसके लिए खुद से नाराज होना, खुद को कोसना कहाँ तक सही है? क्या यह ठीक है हम किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दें और मरने से पहले ही अपने मन को मार दें, जीवन का उद्देश्य ही छोड़ दें और निरर्थक जीवन जिएं? ईश्वर ने हमें प्राण दिए हैं, वह हमारे अंदर विराजमान है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम खुद को खुश रखें। हम खुश और संतुष्ट रहेंगे तो हमारे रिश्ते नाते और दोस्त को भी हम सुखद अनुभूति प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई खुद ही डूब रहा है तो वह किसी दूसरे को क्या पार लगाएगा? आपने देखा होगा हर आपातकालीन सिचुएशन में यही कहा जाता है कि आप पहले खुद को बचाएं फिर सबको। इसलिए खुद को प्रसन्न रखना, संतुष्ट रखना, ऊर्जावान रखना, सकारात्मक सोच से जीवन जीना बहुत जरूरी है। उसके बावजूद अगर लोग आपसे खुश नहीं रहते तो वह कभी नहीं रहेंगे। आपको उनकी खुशी की वजह से व्यथित नहीं होना है, वह आपके प्रयासों से खुश होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो उसमें आपका कोई दोष नहीं। इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। ये 10 टिप्स जाने जिनकी मदद से हम आनंद पा सकते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। चीजों का महत्व पहचाने। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है। या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी हैं और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं इससे उसका कोई संबंध नहीं है। मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़े। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है, उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है।
इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है, और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें। दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे, यह तो बहुत अच्छा दिन है। फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है, यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं। और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए, क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं, तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं, तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। लोग अक्सर खुश होते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे खुश सिर्फ तभी तक रह पाते हैं जब तक उन्हें उनसे ज्यादा खुश व्यक्ति नहीं मिल जाता। और यह मनुष्य जीवन की एक नैसर्गिक क्रिया है जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे अंदर होती है और जिसे हम सीखते नहीं। जैसे मान लीजिए आप परिवार सहित एक मेले में गए, वहां पर आपका बच्चा गुब्बारा लेने की जिद करता है। बच्चा खुश होगा आप यह सोचकर उसे गुब्बारा लेकर देते हैं। आप आगे जाते हैं, बच्चा किसी दूसरे बच्चे को एक खिलौना हाथ में पकड़े देखता है और उस गुब्बारे को आपके हाथ में देकर कहता है कि मुझे वैसा ही खिलौना चाहिए। और यह सिलसिला चलता रहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन वह अपनी चीजों से संतुष्ट कभी नहीं होता। उसे वह चाहिए होता है जो दूसरे के पास है, और यही दुख का कारण है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो व्यक्ति के इस व्यवहार में झलकती है वो है उसका किसी अपने करीबी से निराश होना। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हर दिन लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और हम यह सोचकर परेशान नहीं हैं कि हम उन जितना क्यों नहीं कमा पाते, बल्कि हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि मेरा रिश्तेदार मुझसे ज्यादा कमाने लगा है। हम बस यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि मुझसे पहले मेरे पड़ोसी ने ताजमहल देख लिया है। हम बस यह सोचकर दुखी हो जाते हैं। हम यह सोचकर खुश नहीं होते कि मेरे बच्चे ने 90% मार्क्स लिए हैं, बल्कि इसलिए दुखी हो जाते हैं कि उसके दोस्त ने 91% हासिल किए हैं। हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि मुझे मेरे 10 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा, और यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि पड़ोसी के 100 रुपए खो गए। हम इसलिए दुखी है
कि हमारे ऊपर वाले माले में रहने वाला व्यक्ति शाम को ऑफिस से मुझसे पहले ही घर आ जाता है और मैं उसके बाद। देखा जाए तो हमारा दुख वास्तव में कोई दुख नहीं है और छोटी छोटी व्याधियों से छुटकारा पाकर ही हमें खुश होने की कुंजी मिल सकती है। क्यों एक आदमी दुखी है और दूसरा खुश है? इस जवाब के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी पूरी सुनिए, फिर आपको समझ आएगा आपका उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। लोग हमेशा दूसरों की खुशी से जलते क्यों हैं? पहली बात तो यह कि सभी लोग दूसरों की खुशी से जलते नहीं हैं, बल्कि अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को खुश देखकर उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं एवं खुश रहने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं। हाँ, इसके विपरीत अनेक लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं,
स्पष्टत ये नकारात्मक सोच वाले अकर्मण्य दूसरों के कार्यों पर ही नजर रखने वाले हीन भावना से ग्रस्त एवं अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। साथ ही कुछ लोग जन्मजात द्वेष भाव रखने वाले होते हैं, जिन्हें अपने सुख और खुशियों की कोई परवाह नहीं होती, केवल दूसरे को ही अधिक खुश मानते हैं और अपना सुख चैन बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग एक प्रकार के मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं, जो अपने दुखों से दुखी ना होकर दूसरों की खुशी से अधिक दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही यह कहावत बनी है कि दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।